नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी है प्लास्टिक चटनी, जो बंगाल में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और ये पपीते से बनती है। तो मैंने पपीते को देखिए इस तरह से छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इसके स्लाइसेस कट कर लूँगी। आप चाहे तो इस तरह के कद्दूकस का व्यवहार भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, या फिर बहुत महीन स्लाइसेस आपको चाकू से काटनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसके स्लाइसेस बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दो नींबू मैंने लिए हैं, इसके रस निकाल लूँगी। रस निकालने के बाद जितना नींबू का रस निकलता है उस हिसाब से देखूँगी इसमें कितना चाहिए होगा, तो एक नींबू और ले लूँगी मैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, पतले स्लाइसेस कर लिए हैं इस तरह से। देखिए स्लाइसेस बहुत पतले भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम मोटे भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जब उबलेगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एक अच्छा लुक देगा। तो इतना ही पतला करना है आपको। आप चाहे चाकू से काट के करिए या फिर कद्दूकस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पानी ले लिया है मैंने करीब एक कप, ये कप पूरा भर के ले लिया है मैंने, ये कप पूरा नीचे अंदर तक डीप है। आधा कप और लेंगे, इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और इसकी चाशनी बना लेंगे हम। जैसे ही ये उबल जाएगा यानी, तो मैं इसमें पपीते को डाल दूंगी और इसके साथ पपीते को उबाल लूंगी। देखिए दोस्तों, पानी उबल रहा है, चाशनी उबल रही है। अब हम इसमें जो पपीता मैंने स्लाइस करके रखा था वो धीरे धीरे डाल देंगे। और इसको जब तक चाशनी के साथ पपीता पक ना जाए, पूरी तरह से गल ना जाए, बीच में अगर पानी कम हो जाएगा तो हम इसमें पानी और इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि एकदम चिपचिपा ना हो जाए और इसमें थोड़ा सा चाशनी मतलब यानी चटनी का रस भी रहे। तो इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे, इसको हम बहुत अच्छी तरह उबालेंगे, सीम आंच पे थोड़ा पका लेंगे करीब 10 मिनट तक, जब तक 8 से 10 मिनट तक। बीच में एक बार देख लेंगे कि ये गला हुआ है कि नहीं, एकदम नहीं स्मैश नहीं होगा, ये एकदम अलग अलग दिखेगा, जेली की तरह स्लाइसेस में दिखेगा। तो इतना ही गलाना है कि एकदम पेस्ट ना हो जाए। तो इसको सीम आंच में हम ढक के पका लेंगे। इस तरह से हमने ढक दिया है, पूरा ढकेंगे तो चाशनी उबल के बाहर आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा खोल के रखा हुआ है मैंने। और ये उबल जाएगा, जब पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको पकने देती हूँ। देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट के अंदर ये गल गया है, सीम आंच में मैंने पका लिया है। बीच में आप देख लीजिएगा इसको खोल के कि गला है कि नहीं। तो पपीते के ऊपर है, कोई कोई पपीता बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको एक एक स्लाइस निकाल के देखेंगे कि ये गल गया है कि। देखिए दोस्तों, बहुत गला है लेकिन ये गल गया है, एकदम गल गया है। इससे ज़्यादा गलाएंगे ना तो वो पेस्ट बन जाएगा। तो हमने गैस बंद कर दिया है और अब हम इसके अंदर नींबू ऐड करेंगे। देखिए रस मैंने इतना रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा रस चाहिए था, तो आप अपने हिसाब से चाहें तो रस को पहले थोड़ा सुखा के उसके बाद उसमें आप डालिए पपीते को। तो देखिए मैं इतना सारा नींबू डाल रही हूँ, ये 3 नींबू है, 3 नींबू का रस है। मैंने इसको छान लिया है, अब मैं इसको इसमें पोर कर दूँ, लेकिन मैंने गैस बंद कर रखा है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से खिला लूँ। दोस्तों ये चटनी बनके तैयार हो गई है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी। देखिए दोस्तों, मैं इतना नमक डाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 1/2 टीस्पून है। तो आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। थोड़ा सा मीठे में नमकीन मिक्स करेंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहें तो आप पहले ही डाल दीजिएगा, जब चीनी डालते हैं
उसी समय इस नमक को ऐड कर दीजिए। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक चटनी एकदम बन गई है और इसको हम चीनी और नींबू भी इसका अच्छी तरह मिल चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से काजू ऐड करूंगी। थोड़े से किशमिश भी डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, बनके तैयार हो गई है प्लास्टिक चटनी। अब आप अपने हिसाब से इसको सर्व कर लीजिए। चाहें तो इसको चाशनी को थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। अभी भी इसके में से पपीते को निकाल लीजिए और चाशनी को थोड़ा सा और पका लीजिए तो चाशनी थोड़ी और ठीक हो जाएगी। लेकिन पपीते के संग करेंगे तो जब पपीते ज़्यादा गल सकता है, तो इसीलिए आप बन के तैयार होगी। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।